विश्व कलश अस्थि नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ग्लोबल टूरिस्ट एक्सप्लोर। मैं हूं आपका दोस्त विदुर बिहारी। दोस्तों फिर से आ चुका हूं एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों विश्व शांति स्तूप घूमने के बाद आप जहां पे भगवान बुद्ध की अस्थि रखी हुई है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। अब सामने हमारी दोस्तों बस लगी हुई है दोस्तों। ये टूरिस्ट बस है जो बाहर से फॉरेन से लोग आते हैं, उन्हें घुमाने के लिए हर जगह जगह ये लोग घुमाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब अंदर। यूपी का बस है दोस्तों। सामने हमारी एक घंटा नज़र आ रही है, इसको घंटी नहीं कह सकते दोस्त हम, घंटा। ये देखिए, और भगवान बुद्ध कमल पे विराजमान दोस्तों। और चलते हैं दोस्त अब हम अंदर। और अंदर चलते चलते दोस्तों यहाँ के बारे में जानेंगे भी दोस्तों कि क्या कुछ खास है दोस्तों ये जगह। तो दोस्तों चलते चलते हम बताते भी हैं और आप देखते चलिए दोस्तों। ये मेन गेट, और यहाँ से दोस्तों हमें अंदर चलना है। वैशाली में दोस्तों प्राचीन बौद्ध स्तूप भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष पर बने 8 स्तूपों में से दोस्तों ये एक जगह है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण के बाद वहाँ के मल्लों ने उनके शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया दोस्तों। ये कुछ सूचना भारत सरकार द्वारा। उद्यान में घास पर चलना एवं व्यायाम करना मना है, फूलों को तोड़ना मना है। जो कुछ है दोस्तों ये फॉलो करना ही होगा दोस्तों। और देखिए पानी पट रहा है। चलते हैं फिर दोस्त अंदर में। और ये देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों, अगर आप जाने से पहले यहाँ पे एक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ के बारे में पूरा बताया गया है, बुद्धाज रिलिक स्तूप। तो चलते हैं दोस्त। और अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया दोस्तों। इसमें एक भाग वैशाली के लिच्छवियों को भी मिला दोस्तों। ये 8 भाग ऐसे ऐसे जगह हैं जिनके हम आपको नाम बताते हैं। मगध नरेश अजात शत्रु पहला, दूसरा कपिल वस्तु के साक, और तीसरा दोस्तों अल कप की बुल्ली, चौथा रामग्राम की कौलिये, और पांचवा वेठ द्वीप के एक ब्राह्मण, और छठा पावा, और सातवां कुशीनगर के मल्लों के प्राप्त हुआ दोस्तों। बुद्ध अस्थि अवशेष स्थल वैशाली का 5वीं सदी में 8.07 मीटर से बना स्तूप सुधार के बाद अब 12 मीटर व्यास का हो गया है। इस स्तूप का निर्माण एक मिट्टी के स्तूप के रूप में लिच्छवियों ने किया था दोस्तों। सामने आप देख सकते हैं दोस्तों बुद्ध अस्थि कलश स्तूप। और ये क्या हुआ, बच्चे लोग भाग रहे हैं। अच्छा जो गार्डन ये गार्ड है, सब बच्चे को भगा रहे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको, मतलब ये लोग बच्चे लोग बदमाशी भी बहुत करते हैं दोस्तों। सो चलते हैं दोस्त फिर। ये सन 1958 से लेकर 1962 के बीच पटना स्थित केपी संग्रहाल संघ जायसवाल शोध संस्थान की ओर से किए गए पुरातात्विक खुदाई में से इस स्तूप की खोज की गई थी। बुद्ध खुदाई में भगवान बुद्ध की पवित्र स्थल शंख का एक टुकड़ा, मोतियों के टुकड़े, एक पतली सुनहरी पत्ती और तांबे के पंच चिन्हित सिक्का एक कॉस्केट में मिला दोस्तों। ये देखिए फॉरेन के लोग आए हुए हैं अभी यहाँ पे। और देखिए दोस्तों ये वही जगह है दोस्तों, आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध कलश अस्थि स्तूप, ये वही जगह है दोस्तों आप देख सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि के कारण इस कॉस्केट को सन 1972 में पटना म्यूजियम में रख दिया गया दोस्तों। मतलब जो उनका कलश अस्थि स्तूप था दोस्तों अब ये यहाँ है नहीं दोस्तों, ये पटना में। बुद्ध अवशेष स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों का सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। हालांकि भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष अब पटना म्यूजियम में है, लेकिन भगवान के अस्थि अवशेष यहाँ से प्राप्त होने के कारण हर साल लाखों श्रद्धालु दोस्तों यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं जो फॉरेन से लोग आए हैं उनको समझा रहे हैं। और गार्ड साहब देखिए, अब ये चाचा को बोलेंगे जाने के लिए। अब ये देखिए जो प्रार्थना कर लिए हैं ये लोग, अब निकल रहे हैं दोस्तों। और इनको ये प्रणाम कर रहे हैं, मतलब इनके अपने भाषा में दोस्तों, तवज्जे खां ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं ये। सो देखिए, मतलब देखिए इनका अपना हर लैंग्वेज। ये वियतनाम के लोग हैं दोस्तों, हमने इनसे पूछा है, यहाँ के मतलब इनके गार्ड थे उनसे हमने पूछा कि ये वियतनाम के लोग हैं।
बहुत अच्छे लगता है जब हमारे यहाँ भी वासुदेव कुटुंब का है तो हम लोग दोस्तों ये और तमाम बिहारियों से भी कहते हैं दोस्तों प्रणाम, बिहारियों नहीं पूरे भारत के लोगों और विश्व के लोगों से दोस्तों हम आते हैं, अनुरोध है कि ज़रूर आइए घूमिए दोस्तों। तो फिर दोस्तों एक नए वीडियो के मिलते हैं, जय हिंद।